لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ओके तो अब ये वो मोमेंट है जब कि हमारे पास इवेंट जब बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं. सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं, बैकग्राउंड में लोग आना शुरू हो चुके हैं और ये यहाँ पे राइट नाउ सिचुएशन बनी है और सबके सब अभी गेस्ट का वेट कर रहे हैं, अभी रिसीव ही होंगे उनके यहाँ के साथ ही. अच्छा, आज एयर यूनिवर्सिटी में हमारे पास CEO यूथ क्लब जो कि राजा ज़ियाउल हक और उनके साथ फाहद तस्लीम आ रहे हैं और उनसे आने के पहले मनाज़िर ये हैं कि यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एंड बहुत कम आए हुए भी हैं, लोग भी आए हैं बट अपने छाते साथ अपने लेके आए हुए हैं. दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर देयर अराइवल और देखिए बारिश ही बारिश है और अभी आगे वो आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हाउ दे कम और किस तरीके से वो आगे अपना सेशन कर. फोर अराइवल की सिचुएशन है जब गेस्ट आने वाले हैं राजा ज़ियाउल और फाहद तस्लीम और यहाँ पे सब हम लोग बैठे हैं, आप लोग नज़र आ रहे हैं, हम लोग सब के सब उनके वेलकम का इंतज़ार कर रहे हैं. दे आर जस्ट अबाउट टू अराइव, ये सिचुएशन है उनके आने से पहले की. और जो स्टूडेंट्स है, ऑडियंस वगैरह है, वो अपने ऑडिटोरियम में पहुँच चुकी है. See, in the pre-modern Muslim world, or pre-modern Islamic world, whereas it wasn't in the pre-modern Christian. عزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. خاتم المرسلين تجسا کوئی نہیں تجسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجسا کوئی نہیں सा कोई नहीं ए रसूले अमीन. बस में कौन पहले सजाई गई फिर तेरी आखिरी
Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, tujhsa koi nahi, tujhsa koi nahi. तेरा सिकारवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ। हाँ, तेरा सिकारवा कुल जहां में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या जम सब है जेरे नगीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ it's fortified over time by way of movies and so on and so on, and the internet visual sensation is now hammered. Poetry, you know, people don't really read poetry, at least in the West. I ask my kids poetry, they're totally unexpected. So the guy starts running away. He drops his gun and he runs. This man picks up the guy's gun. I was actually planning on talking about the word deen itself, right? So it's used extensively in the Quran, and I find it many times simply. It's almost like it's a lazy translation to just say religion wherever you see the word deen. I'll give you an example. In Surah Yusuf, at the end of Surah Yusuf, for those of you who know the story of Yusuf alayhi salam, if you remember, his brother shows up at the end and then... they might even explode. Because their battery was there, they had some severe problems, they had to recall them. But this is the case, you will see, with cars, there is a problem. There is a new model of a car, but also रिकॉल करना पड़ता है, रिकॉल देने से सीवियर प्रॉब्लम। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ही समझा जाता है कि जो भी चीज़ नहीं आ रही है वो बेहतर है। और इसमें वो मुझे एग्जांपल याद आती है अलादीन और जादू का चराग, अगर आपने बचपन में कहानी पढ़ी हो या सुनी हो या इवन देखी हो, उसका डिज्नी वर्जन भी अवेलेबल है। तो अलादीन एक बड़ा नायाब सा चराग लेके आता है, जिसको अगर आप रब करेंगे तो उससे जिन निकलता है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। ये चराग प्राइसलेस होता है और वो इसको लाकर अपने घर पे रखता है और अपनी माँ को नहीं बताता कि इसकी डिटेल्स क्या है, पता ये जरूर बताता है कि ये बड़ा स्पेशल है, देखने में वो बड़ा पुराना सा लगता होता है। अब जो एक बड़ा चालाक जादूगर होता है वो क्या करता है, वो ये चराग हासिल करना चाहता है। तो वो वहां से जब बाहर से गुजरता है तो आवाज लगाता है कि नए चराग ले लो, पुराने चराग दे लो, नए चराग ले लो, पुराने चराग दे लो। तो अलादीन की अम्मी को भी ये लगता है कि अगर वो नया चराग दे रहा है तो वो गहरी बात है, इससे अच्छा ही होगा। तो वो पुराना चराग अलादीन का जो कि प्राइसलेस होता है वो उसको दे देती है, और उसके बदले में एक नया चराग दे देती है जो बिल्कुल फजूल होता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। और जब अलादीन घर आता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसको पुराना चराग देकर जो नायाब था एक नया चराग दे दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत नाराज होता है। मुझे लगता है हमने शायद अपनी इस्लामिक कल्चर के साथ भी ऐसा किया। हमने इस्लामिक कल्चर जो है उसको हमने पुराना समझ कर दे दिया और हमने एक नया कल्चर ले लिया। मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि कल्चर ले लेने में भी कोई मसला नहीं है अगर वो कल्चर अच्छा हो। मिसाल के तौर पे मेरी ट्रैवलिंग पूरी दुनिया में ही हुई, काफ़ी जगहों पे जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि मिसाल के तौर पे गोरों में अच्छी आदतें क्या है, गोरों का अच्छा कल्चर क्या है। उनका अच्छा कल्चर ये है कि वो कतार बनाते हैं, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको लाइन में नजर आएंगे, बैंक के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हो वो भी लाइन में लगेगा। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप फलाने हो तो आप लाइन कट करके डिसिप्लिन तोड़ के आते, नहीं, हर बंदा लाइन में रहेगा। वहां का अच्छा कल्चर यह कि वो सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, बड़ी सैनिटेशन बहुत अच्छी है। तो वैसे भी हम कहते हैं सफाई निस्फी मान है, तो ये चीजें तो उनके कल्चर में बहुत अच्छी है। लेकिन फिर उनके कल्चर में यह भी है कि जब
मर्द और औरत आपस में मिलते हैं तो वो हग करते हैं और चीक्स पे किस भी करते हैं, खासतौर पर फ्रेंच में, स्पेनिश में, पोर्चुगीज में, ये मैंने बहुत देखा है, इटालियन में भी देखा है कि उनके यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। आप किसी भी नामहरम अगर औरत से मिलते हैं तो उसको आप हग करके चीक्स पे किस करते हैं, तो ये भी उनकी कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप अरबों की तरफ आ जाए, अरबों के यहाँ भी बड़े अमेजिंग कल्चर है, अरबों के यहाँ ये कल्चर है, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मैंने 4 साल तकरीबन दुबई में गुजारे और वहां पे जो अरबों ने खातिर तवाजो किए वो बहुत जबरदस्त है, यानी आपकी प्लेट जो है ना वो खाली नहीं होने देते, बार बार उसको टॉपअप करते रहते, टॉपअप करते रहते। बल्कि सीरियंस जो है वो तो नाराज हो जाते हैं अगर आप उनके घर आए और अगर आप यहाँ पर उनको घर पर अपने बुलाए और खाना जल्दी सर्व कर दें। मेरा एक दोस्त नाराज हो गया क्योंकि वो जैसे कर रहा है मैंने खाना सर्व कर दिया, तो नाराज हो गया कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैंने कहा क्यों, नफरत वाली क्या बात है? कहते हम तो खाना तब सर्व करते जब हम मेहमान से बातें कर करके थक जाते, आप मैं आए हूं आपने खाना सर्व कर दिया, इसके मतलब है आप कह रहे थे कि खाना खाओ निकलो यहां से, क्योंकि खाना सबसे आखिरी चीज होती है अरबों में। पहले वो 2-3 घंटे गप्पे मारते रहेंगे सुकून के साथ, बिल्कुल जब गप्पे एग्जॉस्ट हो जाएंगी तब कहीं जाके खाना आएगा। इन द मीन टाइम हम जैसा पाकिस्तानी तड़प रहा होता है क्योंकि खुशबू आ रही होती है खाने की, खाना नहीं आ रहा। हम कहते हैं यार पिछले 2-3 घंटे हो गए हैं भाई, अब तो ले आ खाना। तो वहां पे अब ये अगर मेहमान नवाजी की बात है उनके यहाँ मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे कुछ और दोस्त थे अबू धाबी में, तो उन्होंने मुझे एक दफा इन्वाइट किया, कहते हैं हम लोग डेजर्ट में जा रहे हैं, वहां पे सारी रात हमारा कैंप होगा तो स्टे करेंगे। मैंने क्या होगा, तो कहते हो हमारा कल्चर होगा, क्या होगा जी? बेली डांसिंग होगी। तो मैंने कहा लेकिन ब्रदर मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, कहते नो 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 ब्रदर दिस इज कल्चर, दिस इज कल्चर। व्हाट अबाउट इस्लाम? कहते इस्लाम इज देयर बट दिस इज कल्चर। तो कहने का मतलब यह है कि कल्चर अगर आप अरबों से आप ये वाला कल्चर उठा लेंगे तो हमारे लिए क्राइटेरिया क्या है? हमारे लिए जो क्राइटेरिया है ना वो कुरान और सुन्नत है। जैसे कोई फिल्टर होता है ना, फिल्टर जैसे आप चाहे आप लोग आई एम श्योर बनाते ही होंगे, चाहे उन्हें बनाते हैं आप, तो एक अबू बकर सिद्दीक की हुई, उमर खत्ताब की, ये आपकी लोकल हमारा कल्चर बना हुआ है जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर था। ठीक है, तो अगेन बहुत सी चीजें ठीक है, बहुत सी गलत है।